हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल ई ऑनलाइन स्टडी टाइम। बच्चों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो ये पार्ट सेकंड बना रहा हूँ मैं, किसका, फ्रेज क्लॉज एंड सेंटेंसेस का पार्ट सेकंड है, जिसमें मैंने लास्ट क्लास में फ्रेज और क्लॉज बता दिए थे। आज मैं सेंटेंस के बारे में पूरी डिटेल समरी बताऊंगा आपको, सेंटेंस होते क्या है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए काम करिए, देखिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, देखो सब्सक्राइब का बटन लाल लाल दिख रहा होगा, उसको दबाइए, और शेयर का बटन दबाइए जिससे लोगों तक ये बात सेंटेंस वाली पहुंच सके, ठीक है ना। जैसे यू शुड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन लर्न इन अ बेस्ट वे, ये मैंने सेंटेंस बना दिया, ठीक है। सेंटेंस होता क्या है, राम, सर राम और श्याम की क्या आपने पेटेंट ले रखा है, बेटा एक काम कर, राम और पार्थ, राम और पार्थ इज अ गुड बॉय। तो क्या हो गया, सारा मैंने सब्जेक्ट बताया, वर्ब बताया, एक कंप्लीट सेंटेंस हो गया ना, एक कंप्लीट सेंस बना रहा है ये सेंटेंस, इसको बोलते हैं सेंटेंस। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस टू अ रीडर। भाई मेरे को पढ़ के समझ आ गया, जब मेरे को पढ़ के समझ आ गया या किसी को भी पढ़ के समझ आ गया तो उसको सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। अच्छा हम पढ़ते हैं, इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है जो हमारे मीनिंग को कंप्लीट करता है। इट मे बी, एक झोपड़ी है छोटी सी बना रखी है मैंने, इट मे बी अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट हो सकता है, क्वेश्चन हो सकता है। स्टेटमेंट क्या है, आई बिलोंग टू न्यू दिल्ली, सपोज मैंने बोल दिया आई बिलोंग्स टू न्यू दिल्ली, एक स्टेटमेंट होगी। एक और स्टेटमेंट दे दी, यू आर द कल्प्रिट आई सॉ यू, ये मैंने स्टेटमेंट दे दी। यार एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद मैं अपने आपके भी नहीं सुनता, सलमान खान की स्टेटमेंट है वो, ठीक है ना। क्वेश्चंस, व्हाट इज योर नेम हो सकता है, एक्सक्लेमेशन, ओ शिट व्हाट आर यू डूइंग, एक्सक्लेमेशन, और कमांड, यू शुड गो नाउ फ्रॉम दिस क्लास, या यू शुड गेट आउट फ्रॉम दिस क्लास। Consist of a main clause and sometime one or more subordinate clause. It begin with a capital letter, हमेशा capital letter से होता है, and end with a full stop, end होता है हमारे full stop से। A finite verb is an essential component of a sentence. एक finite verb, इसके बारे में मैं अभी आगे बताऊंगा, what is finite verb, ठीक है ना, ध्यान रखना बच्चों, अगर मैं भूल जाऊं तो मुझे कमेंट में याद दिला देना। अ फाइनाइट वर्ब इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ए सेंटेंस, एक फाइनाइट वर्ब हमारा कंपोनेंट एसेंशियल होता है, किसका, हमारा सेंटेंस का। अ सेंटेंस कैन बी शॉर्ट एंड स्वीट, एक बहुत सुंदर हो सकता है, जैसे दिपिन इज वेरी इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास, बहुत स्वीट सेंटेंस है, बहुत ज्यादा स्वीट है। एक और मैं बनाता हूं, नीति गेट 200 मार्क्स इन अ सीए एग्जाम, दैट इज टू इम्पॉसिबल बट फिर भी मान लो, ठीक है ना। नीति गॉट डिस्टिंक्शन इन द सीए एग्जाम इन फाउंडेशन। तो अ सेंटेंस कैन बी शॉर्ट एंड स्वीट और लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। एडिंग ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट फ्रेजेस एंड क्लॉज टू द सेंटेंस कैन लेंथन देम, अगर हम एड करते रहते हैं और एड करते रहते हैं तो लेंथ हो जाता है, लेंथन हो जाता है, एंड मेक देम स्ट्रक्चरली एंड सिस्टमेटिकली कॉम्प्लीकेटेड, जिससे क्या होता है हम उसको स्ट्रक्चर भी बहुत मुश्किल से कर पाते हैं। जैसे मैंने कुछ चार एग्जाम्पल सेट कर रखे हैं, वो आप देखिए क्यों कॉम्प्लीकेटेड हो जाते हैं। पहले मैं बोलता यार आई लाइक फिल्म, मुझे फिल्म अच्छी लगी यार, आई लाइक फिल्म, आई लाइक कॉमेडी फिल्म, मुझे कॉमेडी फिल्म स्पेशली पसंद है। आई लाइक हॉरर फिल्म विच आर बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरीज, मुझे हॉरर फिल्म पसंद है विच बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरीज। अब मैं इसको और बड़ा कर दूं, आई लाइक हॉरर फिल्म विच आर बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरीज एंड टेरिफाई मी कंप्लीटली, जो मुझे टेरिफाई कर सके, डरा सके कंप्लीटली। तो चार एग्जाम्पल में क्या था, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में बता रखा है। इट इज द पर्सन और द थिंग अबाउट समथिंग इट स्टेटेड, सब्जेक्ट वो होता है जिस पे हम जिसके बारे में बता रहे होते हैं। इट इज द पर्सन और थिंग अबाउट समथिंग इट स्टेटेड, जिसके बारे में बता रखा है कि मुझे, जैसे आई, आई इसमें क्या है, इन चारों में जो आई है हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि वो चारों के बारे में, आई अपने बारे में ही बता रहा है, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट क्या हो गया, जिसपे हम फोकस करते हैं, ठीक है ना, जो काम कर रहा होता है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस, पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है दैट टेल समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। प्रेडिकेट क्या हो गया कि जो सब्जेक्ट क्या कर रहा है उसके बारे में बताते हैं, ठीक है। जैसे आई लाइक फिल्म, ये प्रेडिकेट, कॉमेडी फिल्म, ये सारा कौन सी, ये भी प्रेडिकेट, ये भी प्रेडिकेट, जिसमें कि सब्जेक्ट जिसपे फोकस कर रहा होता है प्रेडिकेट उसके बारे में बता रहा होता है, वो होता है प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट दोबारा से हम पढ़ लेते हैं एक बार, प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट टेल समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट के बारे में बताता है। एग्जाम्पल, माई ब्रदर वर्क्स इन दुबई, ठीक है,
माय ब्रदर वर्क्स इन दुबई, तो माय ब्रदर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। द वर्ड इन द बोल्ड ग्रीन, जो वर्ड हमारे बोल्ड ग्रीन में है, टेल नेम्स अ पर्सन प्लेस और अ थिंग अबाउट विच वूम समथिंग इज बीन सेड, दे आर द सब्जेक्ट। जैसे द ट्रेन अराइव्ड लेट, ट्रेन लेट पहुंची, द ट्रेन इज अ सब्जेक्ट। द ओल्ड मैन वॉज वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, जो बूढ़ा आदमी था वो चल रहा है, उतर रहा है कैसे, स्ट्रीट से नीचे उतर रहा है, मतलब दिस इज माय बैग, दिस इज द सब्जेक्ट। तो ये चारों हमारे सब्जेक्ट है, और जो बाद वाले सेकंड पार्ट जो बचे हुए हैं हमारे, जो वर्क इन दुबई, अराइव लेट, वाइज वॉकिंग डाउन द रोड, इज माय बैग, वो हमारे क्या है, हमारे प्रेडिकेट है, जो बताते हैं कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, ये प्रेडिकेट है। और जो सब्जेक्ट है वो जो हमारे बताता है कि काम किस कौन कर रहा है, वो हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट समझते हैं, जैसे दिपिन हिट द बॉल ब्रूटली, दिपिन ने बॉल को हिट करा ब्रूटली, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, ऑब्जेक्ट बॉल है, उसने डायरेक्टली हिट करा ना। तो जैसे अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज अ पर्सन और थिंग दैट इज अफेक्टेड बाय द एक्शन, जो इफेक्ट करता है हमारे एक्शन से, एक्शन वर्ब से, मतलब वही हो गया, ऑफ द सब्जेक्ट, जो डायरेक्ट एक्शन हो रहा है, सब्जेक्ट एक्शन जिस पे कर रहा है उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। यू कुड से दैट द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तुम बोल सकते हो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, Receives the action of the verb, receive कर रहा action को उसके verb में, it follows the verb and answer and the question what से, कि क्या, answer the question what, जैसे राजा kicked the ball, राजा kicked the ball, राजा ने लात मारी ball पे, तो object क्या था, the ball, तो इस called हमारा कि क्या हो गया, हमारा direct object का sentence हो गया, ठीक है। the bar, the ball hit Rama, अब बॉल हिट किसको हुई, रमा को, रमा हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये भी हमारा वर्ब हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का, ठीक है। रूही रिपेयर्ड, ये तुम्हारा होमवर्क है जो मैंने कर दिया गलती से, रूही रिपेयर्ड द कार यस्टरडे, अच्छा रूही ने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कौन से ऑब्जेक्ट को रिपेयर किया, द कार को रिपेयर किया, तो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। दे बिल्ट अ कासल ऑन द बीच, उन्होंने कासल बनाया, कासल का मतलब समझते होगे, महल टाइप का छोटा सा, टकेशी कासल देखा होगा आपने कभी, दे बिल्ट अ कासल ऑन द बीच, ठीक है ना, तो कैसल भी बोलते हैं इसको, तो जो बनाया है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ है ना कैसल पे, तो इस कॉल्ड अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। द बॉल, रमा, द कार, कैसल रिसीव द एक्शन फ्रॉम द सब्जेक्ट, ये चारों जो ग्रीन वाले हैं ये एक्शन रिसीव कर रहे हैं किससे, सब्जेक्ट से। तो द सेंटर को स्ट्रक्चर कैसे करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट को हम सेंटर करते हैं, कोई भी सेंटेंस में पहले बात होती है सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगला हम पढ़ते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, नाम से समझ आ रहा है जो इनडायरेक्टली हो रहा है। तो एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज अ पार्ट और इज अ पर्सन और अ थिंग दैट द एक्शन इज डन टू और फॉर, जब एक्शन उसके लिए उसके द्वारा किया जाता है या किसी और के लिए किया जाता है, ठीक है। द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूजली कम्स जस्ट बिफोर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट उससे पहले आता है किससे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के, एंड कैन बी कॉल्ड द रिसीवर ऑफ द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको रिसीवर बोलते हैं किसका, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। इट डायरेक्टली फॉलो द वर्ब या वर्ब को फॉलो करता है, एंड आंसर द क्वेश्चन हुम, क्वेश्चन का आंसर करता है हुम, किसको, कौन, मतलब द स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस एंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो मतलब क्या हो गया, द सब्जेक्ट, साफ सी बात लिख लो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये हमारा पूरा हो गया। जैसे आई मेड नेहा पास्ट पास्ता फॉर लंच, आई मेड नेहा पास्ता फॉर लंच, मैंने क्या करा, नेहा के लिए पास्ता बनाया लंच में, सब्जेक्ट हो गया आई मेड, आई हो गया, मेड हमारा वर्ब हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसके लिए बनाया मैंने, किसके लिए, नेहा के लिए बनाया, क्या बनाया, पास्ता, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट डायरेक्टली काम किस पे कर रहा है, फॉर पास्ता फॉर लंच पे, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो गया, नेहा, नेहा के लिए कर रहा है। वी बिल्ट हिम अ कासल ऑन द बीच, हमने उसको कासल बनाया, वी बिल्ट हिम, हमने उसको साथ क्या करा, वी बिल्ट हिम, वी हमने उसके साथ क्या करा, कासल बनाने में उसकी ऑन द कासल बनाया, वी बिल्ट हिम अ कासल ऑन द बीच, ऑन द बीच, ठीक है ना, नॉट बीच नहीं बेटा, बीच, ठीक है ना। तो क्या हो गया, वी बिल्ट हिम, हिम क्या हो गया, हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, अ कासल ऑन द बीच क्या हो गया, हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और हिम हमारा इनडायरेक्ट, जिसके लिए हम बना रहे हैं। I have made my mom a promise, मैंने अपनी मॉम को प्रॉमिस किया, तो माई मॉम क्या हो गया, हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, किया तो मैंने अपनी मॉम को, है ना, अ प्रॉमिस क्या हो गया, हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट और वर्ब हैव मेड हो गया हमारा, ठीक है। तो मैंने सीधे सीधे बता रहा हूं, ये हो गया सब्जेक्ट,
ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया हमारा मेन वर्ब, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सिंपल सा सेंटेंस है, नेहा हिम माय मॉम आर द वंस फॉर हुम समथिंग इज डन। ये तीन, ये नेहा हिम और माय मॉम जो तीन ऐसे थे जिसके लिए कोई कुछ कर रहा है, एंड दे आर द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। ये हमारे सारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। होप सो आपको समझ आया होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, आगे हम चलते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन। ऑब्जेक्ट क्या हमारे प्रेपोजिशन के, द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन इज अ नाउन। एक नाउन है जो ऑब्जेक्ट हमारा प्रेपोजिशन का, एक नाउन है और अ प्रोनाउन, और अ प्रोनाउन भी है दैट कंप्लीट्स इट्स मीनिंग, जो इसकी मीनिंग को पूरा कंप्लीट करता है। ठीक है, मतलब कि प्रेपोजिशन बताता है कि कहां पर नाउन है हमारा। तो एक ऐसा ऑब्जेक्ट है प्रेपोजिशन का, इज अ नाउन, प्रेपोजिशन एक नाउन की तरह काम कर रहा है और अ प्रोनाउन की तरह, जो हमारे एक मीनिंग को कंप्लीट करता है। एग्जांपल, डॉग इज लुकिंग एट, ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है, कुछ समझ नहीं आया। एग्जांपल टू, द डॉग इज लुकिंग एट द माउस। अब देखते हैं वो कहां देख रहा है, एट द माउस। एट द माउस क्या हमारा प्रेपोजिशन और द माउस क्या हमारा ऑब्जेक्ट। तो हम ये कह सकते हैं इन द फर्स्ट सेंटेंस द डॉग डोंट नो नो टू हुम, डॉग को पता नहीं था टू हुम कौन है, इज लुकिंग वो किसकी तरफ देख रहा है, बट इन द सेकेंड इट शोज ऑब्जेक्ट द माउस, सेकेंड में ये बताया गया कि माउस है। तो प्रेपोजिशन में बताया जाता है कि वो किस, क्या, कहां और क्या, लोकेशंस के बारे में बताता है एग्जैक्टली वो कहां है। ठीक है, आगे हम चलते हैं, अनदर एग्जांपल हम लेते हैं प्रेपोजिशन को अलग का, देखते हैं। राजू गेव राहुल द पेन, राजू ने राहुल को पेन दिया, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से बोल सकते हैं, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, राहुल हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है ना, तो ये द पेन हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। मैं अगर इस तरीके से लिखूं, राजू गेव द पेन टू राहुल, तो ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन टू हो गया, ये टू हो गया, किसको दिया, टू प्रेपोजिशन वाला हो गया। टू सेंटेंस बेसिकली का सेम मीनिंग है बट स्ट्रक्चर डिफरेंटली है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के हिसाब से हुआ, ये प्रेपोजिशन के हिसाब से हुआ। ठीक है, या आप लोग भी दो तीन सेंटेंस बना के लिख के मुझे बता सकते हैं। ठीक है, हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन, आप कैसे डिस्टिंग्विश बिटवीन कर सकते हैं एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में और एक ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन के बारे में। सिंपल सी बात है, अगर जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा उसमें हमें क्या बताया गया होगा, कंप्लीट मीनिंग हमारी नहीं दे रही होगी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। जैसे ये रहा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अ पर्सन थिंक दैट द एक्शन इज डन टू फॉर, जिसके लिए एक्शन हो रहा है, और फॉर जिसके, डन टू जो हम कर चुके हैं, और फॉर जिसके लिए कर रहे हैं। ठीक है ना, इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट गिवन होगा, और ये हमेशा किसके पहले आता है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले रिसीव होता है, और इसमें बताया जाए टू होम किसके लिए चल रहा है। और तो ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन वाले में क्या होता है, हमें बताता है क्या हो रहा है, लोकेशंस क्या है। तो ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन कम्स इमीडिएटली आफ्टर द प्रेपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन में क्या होता है, उसके बाद झटके से बाद ही प्रेपोजिशन के बाद आ जाता है। द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डज नॉट कम इमीडिएटली आफ्टर द प्रेपोजिशन, देख ली इसमें आ जाता है इसमें नहीं आता। ठीक है ना, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज यूजली फॉलोड बाय द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको फॉलो करता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, वेयर एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन डज नॉट फॉलो दिस प्रिंसिपल, ये इसको प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता। ये एक सेंटेंस डिफरेंस हो गया, ये एक डिफरेंस हो गया। ठीक है ना, अब हम पढ़ते हैं, समझ आ गया आपको डिफरेंस कैसे है। दो डिफरेंस है, सिंपल सिंपल है, एक में क्या हो रहा है, इमीडिएट एक्शन ले रहा है आफ्टर द प्रपोजिशन, एक में नहीं ले रहा है, इसमें फॉलो करता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, इसमें फॉलो नहीं करता है। अगला हम चलते हैं, व्हाट इज वर्ब। वर्ब पता है आपको, किसी को एक्शन को काम करने को बोलते हैं। अ वर्ब इज अ कस्टमरली डिफाइंड एज अ पार्ट ऑफ स्पीच दैट डिस्क्राइब एन एक्शन और अकरेंस और इंडिकेट्स अ स्टेट ऑफ बींग, ये बताते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। जैसे मैं बोलू, हाँ मैं लिख देता हूं, तनुजा इज ईटिंग एप्पल। अच्छा, ईटिंग क्या हो गया हमारा, वर्ब हो गया, तो ये वर्ब हो गया हमारा, ये वर्ब के बारे में बता रहे हैं वो क्या कर रहा है। इन एवरी सेंटेंस द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज द वर्ब, हर सेंटेंस में वर्ब होना बहुत जरूरी होता है क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट भी होते हैं। तो वेरियस टाइप ऑफ वर्ब पढ़ते हैं, मैंने कहा था ना आपको फाइनाइट वर्ब के बारे में बताऊंगा, तो ये रहा। व्हाट इज फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट का मतलब लिमिटेड है ना, ऐसा नहीं होता। अ फाइनाइट वर्ब इज लिमिटेड बाय इट्स फंक्शन, वो क्या होता है हमारा, लिमिटेड होता है किससे, इसके फंक्शन के हिसाब से। इट एग्रीज विद इट्स सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट के साथ बहुत खुशी खुशी रहता है। ही इज अ हैप्पी पर्सन, ठीक है। इन नंबर एंड पर्सन, नंबर में भी पर्सन में भी। इट ऑल्सो चेंज अकॉर्डिंग टू द टेंस, ये टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है, जिसके बाद ये बोलता है हुर्रे मुझे मजा आ गया, टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ऑफ द सेंटेंस इट फॉर्म द मेन क्लॉज, ये फॉर्म करता है हमारे मेन क्लॉज को, जो मैंने बताया था। ठीक है ना, आगे जैसे आई एम अ टीचर, आई एम क्या हो गया हमारा, बता रहे कि हमारे उसके बारे में बता रहे फाइनाइट वर्ब के बारे में कि मैं क्या हूं, मैं एक टीचर हूं। ही इज अ टीचर, वह एक टीचर है। अभी इसमें वर्ब के बारे में कुछ नहीं बताया, वो सिर्फ बता रहे कि वो क्या है। शी गोज टू स्कूल एवरी डे, शी गोज, ये हमारा फाइनाइट वर्ब हो गया, गोज।
दे गो टू स्कूल एवरी डे, दे गो, ये हमारे जो जो हमारे ग्रीन टिक वाले हैं, ये सारे क्या हमारे फाइनाइट वर्ब, जो बताते हैं लिमिटेड वे में कि वो क्या है और वो क्या कर रहे हैं, ठीक है, सिंपल से है, इसमें ज्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इनफाइनाइट वर्ब में बता रखा है कि नॉर्मल सी बात होती है, लिमिटेड होते बाय नंबर एंड दिस। नॉन फाइनाइट वर्ब में थोड़ी दिक्कत है, नॉन फाइनाइट को समझते हैं। अ नॉन फाइनाइट वर्ब इज अ फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द पर्सन। ये नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है, ये चेंज नहीं होता अकॉर्डिंग टू द पर्सन के हिसाब से, ठीक है, या नंबर या और टेंस, मतलब फाइनाइट वर्ब चेंज होता है और ये चेंज नहीं होता है। इट कैन नॉट स्टैंड अलोन, ये अकेला भी खड़ा नहीं होता है, एज द मेन वर्ब इन अ सेंटेंस, जब तक मेन वर्ब नहीं होगा, मेन वर्ब की तरह अकेला नहीं खड़ा होता है, ठीक है ना, तो मेन वर्ब का सपोर्ट चाहिए होगा उसको। तो देयर आर थ्री काइंड ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब, तीन काइंड के होते हैं। पहला होता है इन्फिनिटिव, इसके बारे में मैं पूरा बताऊंगा, ठीक है ना। इट इज अ फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज एक फॉर्म है वर्ब का, यूज जनरली लाइक अ नाउन, एक ऐसा फॉर्म है वर्ब का जो नाउन की तरह यूज होता है, बट इसको किसी भी इनफाइनाइट वर्ब को यूज करने से पहले हम टू लगा देते हैं, टू और वर्ब, ठीक है ना, इज फ्रिक्वेंटली यूज विद एन इनफाइनाइट, टू लगाते ही हमारा इनफाइनाइट वर्ब कंप्लीट हो जाता है, जैसे टू अर इज ह्यूमन, सुनीता लव्स टू डांस, तो टू अर एंड टू डांस जैसे हमने स्टार्ट करा तो हमारा क्या हो गया, इन्फिनाइट वर्ब हो गया, टू लगाते ही हमारा इन्फिनाइट वर्ब हो जाता है। अगला होता है पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स हमारा पास्ट और प्रेजेंट में होता है। अ पार्टिसिपल इज दैट फॉर्म ऑफ वर्ब विच हैज द नेचर ऑफ बोथ अ वर्ब एंड एन एडजेक्टिव, ये एक नेचर होता है बोथ किसका, वर्ब का भी और एडजेक्टिव दोनों का, ठीक है ना, ये दोनों का वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का पार्ट होता है, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल्स एंड विद एंड विद आई एन जी, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स एंड होता है आई एन जी के साथ, वेयर एज द पार्ट पार्टिसिपल्स एंड विद ईडी, मतलब प्रेजेंट वाला आई एन जी के साथ एंड होता है और पास्ट वाला हमारा ईडी के साथ यूज होता है, मतलब सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया, जैसे वॉक्ड, और पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ब्रंट, मतलब पास्ट फॉर्म लगाते हैं किसकी, सेकेंड फॉर्म लगाते हैं हम लोग किसकी, वर्ब की, ठीक है ना, बर्न का ब्रंट हो गया, बर्नट हो गया, ठीक है ना। तो तीन बातें ध्यान रखना, प्रेजेंट के साथ आई एन जी, पास्ट के साथ ईडी, और वर्ब के पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ लगाएंगे, जैसे हमारा सेकंड फॉर्म हो गया, जैसे ही सैट ऑन अ ब्रोकन चेयर, तो क्या हो गया हमारे, ही सैट, वो बैठा कहां पर, टूटी हुई चेयर पे। तो ये ध्यान रखना दो बातें, ही सैट ऑन अ ब्रोकन चेयर, वो ब्रोकन चेयर पे बैठा हुआ है, ब्रोकन, तो ये हमारा ईडी हो गया, ठीक है ना, ये हमारा पास्ट में हो गया, सेकेंड फॉर्म है वर्ब की, ये पास्ट में हो गया हमारा। वी मेट अ गर्ल कैरिंग अ बैग ऑफ फ्रूट, वी मेट अ गर्ल, हम एक लड़की से मिले, कैरिंग, ये रहा कैरी, आई एन जी, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स हो गया हमारा, ठीक है ना, समझ आ गया आपको, होप्स आपको समझ आ गया। इसमें सिर्फ हमें पहचानना है कि सब्जेक्ट जितना भी मैंने आप तो कराया ना, इसमें कोई लिखने के लिए नहीं आएगा, आपको सिर्फ पहचानने के लिए आएगा कि कौन सा नॉन फाइनाइट वर्ब है, कौन सा फाइनाइट है, कौन सा वर्ब है, कौन सा फ्रेज है, कौन सा फ्रेज है, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, कौन सा क्लॉज है, नाउन क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, इसमें सिर्फ ये चूज करने को आएगा पेपर में, ये कौन सा है उसके आगे लिखना है बस आपको। जेरेंट्स, जेरेंट क्या होते हैं, जेरेंट इज दैट फॉर्म ऑफ द वर्ब विच एंड इन आई एन जी, जो क्या होता है, एंड होता है आई एन जी के साथ, एंड हैज द फीचर ऑफ अ नाउन एंड अ वर्ब, ये फीचर होता है नाउन और वर्ब के, जैसे वर्ब प्लस आई एन जी लगा दूंगा तो जेरेंड हो जाएगा हमारा, वर्ब और आई एन जी लगा दूंगा तो जेरेंड हो जाएगा। यूज एप सब्जेक्ट, ये क्या यूज करता है, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को, ये यूज करता है हमारे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को में यूज करते हैं, ठीक है ना, हमारे जो हमारे एक सेंटेंस में होते हैं, जैसे प्लेइंग क्रिकेट इज नॉट अलाउड हियर, ये रहा प्लेइंग क्रिकेट, ये हमारा क्या हो गया, जेरेंड का सेंटेंस हो गया, ठीक है ना। आई लाइक रीडिंग रिलीजियस टेक्स्ट, ये हमारा जेरेंड का सेंटेंस हो गया, कि वर्ब के साथ क्या होता है, आईएनजी लगता है, जैसे वर्ब के साथ आईएनजी लग गया, वर्ब के साथ आईएनजी लग गया, जैसे ही वर्ब के साथ हमारा आईएनजी लगा, हमारा क्या हो गया, जेरेंड हो गया, ठीक है, बोल के सर तो नॉर्मल सेंटेंस भी हो गया। बेटा जब मैं जेरेंड पढ़ा रहा हूं तो जेरेंड ही होगा ना, आपको ये समझना पड़ेगा कि ये है क्या, ठीक है। आगे हम चलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब के पास, ऑक्सिलरी वर्ब होते क्या है, ठीक है ना, ये आपको होप्स तो समझ आ गया होगा, या तो जेरेंड के बारे में डीप में बताना है तो मैं आपको डीप में बता देता हूँ, व्हाट इज जेरेंड, एक सेकंड आप रुकिए, मैं जेरेंड के बारे में आपको पूरा बता देता हूँ, एक सेकंड रुकिए बच्चों, हाँ देखिए जेरेंड क्या होता है हमारा, मैं पूरा जेरेंड के बारे में वीडियो मैंने बना देता हूँ, फिर आप देखिए जेरेंड इन्फिनिट एंड पार्टिसिपल्स क्या होते हैं। जेरेंड क्या होते हैं, नाउन और प्रोनाउन होते हैं, जेरेंड क्या होते हैं, नाउन और प्रोनाउन होते हैं वर्ब प्लस आई एन जी के साथ, और ये एज अ नाउन एक्ट करते हैं। ही इज माई फ्रेंड, तो ही हमारा प्रोनाउन हो गया और ही इज माई फ्रेंड हो गया। बोलना अच्छी आदत है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, जेरेंड में ध्यान रखना वर्ब प्लस आई एन जी होता है, एज अ नाउन एक्ट करता है। बोलना अच्छी बात है, सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, बोलना, तो स्पीकिंग इज अ गुड हैबिट,
स्पीकिंग आईएनजी लग गया, जब हमने स्टार्टिंग में आईएनजी लगा दिया तो जरेंट सेंटेंस कराता है। टू रीड इज अ गुड हैबिट, जहां मैंने बताया था ना अभी टू, जिस सेंटेंस के आगे टू लग जाए, अभी मैंने बताया था आपको जिस सेंटेंस के आगे अगर हमारा टू लग जाता है वो कौन सा सेंटेंस बन जाता है, अभी मैंने समझाया था, ये रहा। एक सेकंड रुकिए बच्चों, मैं आपको निकाल के दे रहा हूँ, थोड़े ज्यादा नोट्स लिख लिए मैंने आपके लिए। हाँ ये रहा, जिसके आगे टू लग जाता है वो इनफाइनाइट वर्ब हो जाता है। देखो ये रहा, टू लग गया और हमारा क्या हो गया, इनफाइनाइट वर्ब। तो जहां पर हमारा टू लग जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट वर्ब हो जाएगा। बच्चों आपको दिख रहा है, होप्स आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। अच्छा, इनफाइनाइट जो वर्ब है हमारा, ये देखिए, एक सेकंड रुकिए बच्चों। हाँ, जो हमारा इनफाइनाइट वर्ब है, ठीक है, वो क्या दिखा रहा है कि टू प्लस वर्ब, टू के साथ वर्ब जोड़ दिया, वर्ब टू के साथ वर्ब जोड़ दिया, टू प्लस वर्ब, तो हमारा नाउन इन्फिनाइटिव हो गया, एडजेक्टिव इन्फिनाइटिव हो गया, एडवर्बियल इन्फिनाइटिव हो गया, ठीक है। नाउन जो एक्ट एज अ नाउन करता है, एडजेक्टिव जो एक्ट एज एडजेक्टिव करता है, एडवर्बियल जो एक्ट एज एडवर्ब करता है। अगर मान लो खाली वर्ब होता है, खाली वर्ब होता है, टू नहीं होता है, खाली वर्ब होता है, उसको बेयर इन्फिनाइटिव बोलते हैं, परफेक्ट इन्फिनाइटिव बोलते हैं। अगर हमारा परफेक्ट इन्फिनाइटिव होता है तो क्या होगा, टू प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर हमारा कौन सा इन्फिनाइटिव होता है, वर्ब, टू परफेक्ट इन्फिनाइटिव होता है, तो हमारा टू प्लस हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैंने दो तीन बार इसलिए बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर खाली वर्ब होगा सेंटेंस में तो बेयर इन्फिनाइटिव, अगर टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा तो हमारा परफेक्टली इन्फिनाइटिव, ठीक है। तो टू प्ले फुटबॉल इज अ गुड फॉर हेल्थ, टू प्ले गुड फॉल इज प्ले गुड फॉर हेल्थ, ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल सेंटेंस हो गया इन्फिनाइटिव का, ठीक है। और टू रीड इज अ गुड हैबिट, टू रीड हमारा नॉर्मल इन्फिनाइटिव सेंटेंस हो गया। अब जैसे मान लो जेरेंड बता दिया, वर्ब प्लस आईएनजी, मैंने इन्फिनाइटिव बता दिया, अब मैं सीधा बताऊंगा पार्टिसिपल्स के बारे में। आप देख सकते हैं पार्टिसिपल्स के बारे में, ठीक है, देखिए आप पार्टिसिपल्स क्या है हमारा, प्रेजेंट पार्टिसिपल, जहां वर्ब के साथ आईएनजी लगता है तो वह हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाता है। पास्ट पार्टिसिपल्स थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है तो पास्ट पार्टिसिपल्स होता है। जब हमारी प्रेजेंट पार्टिसिपल्स क्या होता है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जब हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगता है तो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल्स हो जाता है। तो ये एज अ वर्ब भी यूज होता है और एज अ एडजेक्टिव भी यूज होता है। तो सर दोनों ये सेम है, हाँ बेटा दोनों सेम है, बट एक फर्क है, जब हैविंग के साथ लगेगा तो प्रेजेंट पार्टिसिपल्स, वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा तो भी प्रेजेंट पार्टिसिपल्स, ठीक है। यह आप देखना, आगे हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। हमें ये पहचानने हैं कि इस क्वेश्चन में कि कौन से हमारे जेरेंड है, कौन से हमारे इन्फिनाइटिव है, कौन से हमारे पार्टिसिपल्स है। इससे पहले मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूं, मैंने जो बता दिया आपको, इससे पहले आप एक सेकंड रुकिए, इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपको दो मिनट रुकना पड़ेगा, जिससे मैं आपको थोड़ा और ट्रांसलेटिव एंड ट्रांसलेटिव के बारे में बता दूंगा। हाँ, अब जैसे आप देख सकते हैं मैंने आपको बता दिया इन्फिनाइटिव बता दिया था, पार्टिसिपल्स के बारे में बता दिया, ठीक है। अब जेरेंड के बारे में मैंने आपको बता दिया, वर्ब के साथ आईएनजी यूज होता है, जेरेंड होता है। अब हम पढ़ते हैं ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होते हैं, फॉर्म ऑफ वर्ब एम इज वाज एक्सेट्रा बहुत सारे होते हैं, हैव एंड डू आल्सो भी। व्हेन यूज्ड एन ऑर्डिनरी वर्ड, ऑर्डिनरी वर्ड्स को हम यूज करते हैं वर्ब के साथ टू मेक टेंसेस पैसिव फॉर्म, पैसिव फॉर्म में टेंसेस को बनाते हैं, क्वेश्चंस एंड नेगेटिव आर कॉल्ड ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब। जैसे एम इज आर वॉज हर वॉज वर हैज हैव हैड डू डिड, ये सारे को हम बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। जैसे ही इज वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, इज हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब। द गेट वॉज ओपन बाय द पोस्टमैन, वॉज हो गया हमारा क्या हो गया, हमारा हेल्पिंग वर्ब। तो आप बना सकते हैं, यू आर प्लेइंग क्रिकेट, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, दे वर प्लेइंग क्रिकेट, ही हैज प्लेड क्रिकेट, दे हैव प्लेड क्रिकेट, दे हैड प्लेड क्रिकेट, यू डस प्ले क्रिकेट, मतलब जो भी आप बना सकते हैं आपकी मर्जी है, ठीक है ना। आगे मोडल्स क्या होते हैं, मोडल्स क्या होते हैं, द वर्ब एम इज आर वॉज वर हैज हैव हैड डू डिड डज डू डिड डेयर टू नीड टू यूज टू ऑट टू आर मोडल्स एक्सेट्रा, बाकी लोग भी होते हैं, ठीक है। दे आर यूज बिफोर ऑर्डिनरी वर्ब, ये ऑर्डिनरी वर्ब से पहले यूज होते हैं, एंड एक्सप्रेस मीनिंग, ये मीनिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, सच एज किस तरीके से करते हैं, परमिशन लेते हैं, पॉसिबिलिटीज होती है, सर्टेनिटी एंड नेसेसिटी होती है एक काम को होने की। जैसे आई कैन ड्राइव अ कार, तो एबिलिटी शो कर रहा है,
जो इसमें कैन और कुड, अगर कुड अगर आई कुड ड्राइव अ कार होता तो उसका मतलब पास्ट एबिलिटी को शो करता है कि पास्ट में वो कार चला पाता है. यू मे कम इन, आप आ सकते हैं. तो मैं परमिशन ले रहा हूँ, रिक्वेस्ट, पॉसिबिलिटी, रिस्पेक्ट, चारों में से कोई एक बात, आप अंदर आ सकते हैं. वी शुड ओबे लॉस, हमें रूल्स को फॉलो करना चाहिए. ऑब्लिगेशन है, सजेशन है, एडवाइस है, पॉसिबिलिटी है, ये सारी बात हो सकती है. ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन, अगला जो पार्ट है हमारा वो है ट्रांजिटिव वर्ब. व्हाट इज ट्रांजिटिव वर्ब? ट्रांजिटिव वर्ब आर एक्शन वर्ब. ये क्या होता है? एक्शन वर्ब होते हैं. दे ऑलवेज एक्सप्रेस डूएबल डूएबल एक्टिविटीज, जो काम हम कर रहे हैं उस एक्टिविटीज को बताते हैं. दीज वर्ब ऑलवेज हैव डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, जो मैंने बताया था पीछे, व्हाट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो सीधा सब्जेक्ट फोकस करता है ऑब्जेक्ट पे. ठीक है, मीनिंग समवन और समथिंग रिसीव द एक्शन ऑफ द वर्ब, कि बताते हैं जिस जिससे एक्शन रिसीव हो रहा है, जिसके हमारे पास से जिसका एक्शन हमारा रिसीव हो रहा है. मिहिर मेहर स्पोक द ट्रूथ, सीधा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया ना, वो सीधा सच बोल रहा है भाई, डायरेक्ट स्पोक. द ड्राइवर स्टॉप द कार, ड्राइवर ने ब्रेक मारी, रोक दी, तो स्टॉप, रुक गई ना गाड़ी, ब्रेक बिना ब्रेक मारे तो रुकेगी ना, तो ड्राइवर स्टॉप द कार, कार हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, डायरेक्टली बोला गया. ठीक है ना, ट्रांजिटिव. ठीक है ना, द हॉर्स किक द वॉशरमैन, हॉर्स ने लात मार दी किसको? वॉशरमैन को, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया हमारा. ठीक है, अगला होगा हमारा इनट्रांजिटिव वर्ब. इट डोनेट एन एक्शन दैट डज नॉट पास ओवर टू एन ऑब्जेक्ट, ये डोनेट करता है एक्शन को, दैट डज नॉट पास ओवर टू ऑब्जेक्ट, को डायरेक्टली नहीं पहुंचता है. इट मे एक्सप्रेस अ स्टेट और बीइंग, एक्सप्रेस करता है जिस तरीके से हो रहा है काम, जैसे ही रैन अ लॉन्ग डिस्टेंस, वो बहुत दूर तक भागा, पर इसने डायरेक्टली पास ओवर नहीं किया, मतलब डायरेक्टली नहीं बताया, इसने पास ओवर ऑब्जेक्ट को पास करा, मतलब कि क्या बताया, डोनेट एन एक्शन, एक्शन को डोनेट बताया जरूर, बट दैट डज नॉट पास ओवर टू एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तक पास नहीं हो पाया, वहीं खत्म हो गया. द बेबी स्लीप 12 आवर्स अ डे, लड़की सो रही है 12 घंटे से सुबह से. ठीक है ना, देर इज अ फ्लॉ इन द डिजाइन, कुछ गलतियां हैं इस डिजाइन में, तो मतलब कुछ ना कुछ इसमें ऑब्जेक्ट तक नहीं पहुंच पा रहा, ऑब्जेक्ट इसमें मिसिंग है. ठीक है ना, तो उसको इंट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे. अगर ऑब्जेक्ट तक पहुंचता है तो ट्रांजिटिव, अगर नहीं पहुंचता तो इंट्रांजिटिव. ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं कि हमारे सेंटेंसेस कितने टाइप के होते हैं. इससे पहले, सेंटेंस के टाइप जानने से पहले, हम अब क्या करेंगे, जो मैंने एक्सरसाइज बताई थी उसको हम अभी कंप्लीट करेंगे, जो मैंने आपके लिए एक्सरसाइज बनाई थी कि जेरेंड और इन्फिनिटिव एंड पार्टिसिपल्स की. जैसे डूइंग दिस वर्क आपको दिख रहा होगा, ऐसे कर लेता हूं. हाँ देखो, हम करते हैं. डूइंग दिस वर्क इज माय ऑनर, इस काम को करने में मेरा एक सम्मान है. तो ये एक्टिविटी ना, ये जो डूइंग किस पे फोकस कर रहा है? एक्टिविटी पे फोकस कर रहा है कि मैं काम को कर रहा हूं. और ये हमारा क्या बताता है? ये हमारा सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट पे फोकस हो रहा है ना, तो ये हमारा जेरेंड हो गया. जब सब्जेक्ट पे फोकस होता है, कोई ऑब्जेक्ट पे फोकस नहीं होता है. जब सब्जेक्ट पे फोकस होता है तो जेरेंड बोलते हैं. अगर ऑब्जेक्ट पे होगा, अगर पर ऑब्जेक्ट भी हमारा क्या, हमारा प्रेजेंट में ही होगा, तो वो भी हमारा वो जेरेंड ही कहलाएगा. ठीक है, अभी मैं अलग अलग बताता हूं. अब देखिए, डूइंग दिस वर्क इज माय ऑनर, इसमें क्या था, जो एक्टिविटी कर रहा है, वो डायरेक्ट एक्टिविटी कर रहा है ना, तो हमारा तो जेरेंड हमारा सब्जेक्टिव हो गया. क्या हो गया? सब्जेक्टिव. आई लव डूइंग इट, मैं को करना बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे को बहुत अच्छा करना लग रहा है ये. ठीक है ना, तो इसमें क्या हो गया, जेरेंड हमारा ऑब्जेक्ट पे फोकस है. देखो, आई लव डूइंग इट, ऑब्जेक्ट पे हमारा फोकस है, तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा जेरेंड ऑब्जेक्टिव हो गया. ठीक है ना, वी सॉ हिम डूइंग समथिंग, मैंने उसको देखा कि वो कुछ कर रहा है. मैंने अभी आपको समझाया था, देखो ये रहा डूइंग समथिंग, तो क्या हो गया, वर्ब के साथ आईएनजी, ये रहा वर्ब के साथ आईएनजी लग गया, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल्स हो गया, जो क्वालिटी को बता रहा है. जो मैंने उसको देखा कुछ कर रहा है, तो ये क्या हो गया, हमारे कुछ क्वालिटी को बता रहा है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल्स हो गया ये. ठीक है, ही सॉ हर डू समथिंग, उसने देखा वो कुछ कर रहा है. He saw her do something. इसमें क्या, सीधा सीधा वर्ब है ना, खाली वर्ब है, एक्शन कंप्लीट हो गया, तो हमारा बेयर इन्फिनिटिव हो गया. बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है, जहां पर हम खाली एक्शन को फॉलो करते हैं. प्लेइंग फुटबॉल इज गुड फॉर हेल्थ, प्लेइंग फुटबॉल इज, अब प्ले सीधा किस पे फोकस कर रहा है, हमारे एक्टिविटी पे फोकस कर रहा है. जहां पर खाली एक्टिविटी की बात हो रही है और सीधा एक्टिविटी पे फोकस हो रहा है, वो जेरेंड सब्जेक्टिव ही होगा, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट ही सब कुछ कर रहा है, सब्जेक्ट ही सारी बात काम कर रहा है. ठीक है, तो जेरेंड सब्जेक्टिव हो गया. आई लव प्लेइंग फुटबॉल, अब मैं, मेरे को फुटबॉल खेलना अच्छा लगता है, तो ये हमारा सब्जेक्ट, तो प्लेइंग क्या गया हमारा, जो हमारा जो वर्ब था वो ऑब्जेक्टिव में आ गया ना. अब तुम पूछोगे, सर ये आप सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्या बोल रहे हो? बेटा, जो हमारा वर्ब होता है, या तो वो सब्जेक्ट में आ रहा होगा या तो ऑब्जेक्ट में आ रहा होगा, इसका ध्यान रखना है बस. ठीक है, यहां देखो सब्जेक्ट में आ रहा था, यहां सब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में आ रहा था तो प्रेजेंट पार्टिसिपल्स हो गया, यह हमारा ऑब्जेक्ट में आ रहा है तो बेयर इन्फिनेटिव हो गया, यह हमारा सब्जेक्ट में आ रहा है तो जेरेंड हो गया. ठीक है ना, वो देखना पड़ेगा सेंटेंस के हिसाब से. आई लव प्लेइंग फुटबॉल,
मेरे को फुटबॉल खेलना अच्छा लग रहा है, तो सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट में आया ना प्लेइंग हमारा फुटबॉल के साथ, तो हमारा जरेंट ऑब्जेक्टिव हो गया ये, ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्ट खुद पे ही काम कर रहा है। इसमें क्या था, हमारा जरेंट में वर्ब प्लस आईएनजी एज अ नाउन, नाउन के साथ काम कर रहा है, ठीक है ना। आगे देखिए, वी वुड लव टू प्ले फुटबॉल, हमें फुटबॉल खेलना बहुत ज्यादा पसंद है। अब देखिए ये सेंटेंस काटा क्यों है, क्योंकि बेटा कभी कभी क्या होता है, हम लोग ये सोचते हैं कि अकॉर्डिंग टू रूल के हिसाब से ही लव टू प्ले फुटबॉल, अगर मैं टू प्ले फुटबॉल कर दूं, एक मीनिंग नहीं बना रहा है ये, क्योंकि तुम बोलोगे सर टू फुटबॉल में तो इन्फिनेटिव होता है, पर नहीं बेटा इसमें कोई मीनिंग नहीं बन रहा है, इसीलिए सेंटेंस गलत है हमारा, ठीक है। तो वी वुड लव टू प्ले फुटबॉल, अब देखो अब इसमें समझ आता है कि वी वुड लव टू प्ले फुटबॉल, हमें फुटबॉल खेलना पसंद है, तो टू प्ले आ गया, ही लव टू प्ले फुटबॉल, वी वुड, इसमें एक हेल्पिंग वर्ब भी आ गया। हम हर किसी के साथ लव टू नहीं लगा सकते हैं, तो हमें एक प्रॉपर एक हेल्पिंग वर्ब की भी जरूरत होती है, तो वी वुड लव टू, लव टू जो हो गया हमारा एक नॉर्मल से सेंटेंस में अच्छा लग रहा है अब, तो नाउन को शो करता है, हमारे नाउन को, नाउन इन्फिनेटिव हो गया, ये देखो ना नाउन के बारे में बता रखा है इसने, फुटबॉल हो गया नाउन हो गया हमारा, ठीक है। टू प्ले क्रिकेट इज गुड फॉर हेल्थ, अब हम क्रिकेट खेलते हैं हमारे गुड के लिए हेल्थ है, ये कौन सा नाउन हो गया, टू, ये देखो हमारा टू प्ले इन्फिनेटिव में आ गया, इन्फिनेटिव में कौन सा है, क्रिकेट एक पर्टिकुलर गेम है, हेल्थ के लिए में सही है, तो इन्फिनेटिव नाउन हो गया हमारा। ही केम टू प्ले विद यू, ये तुम्हारे साथ खेलने आया है, ही केम टू प्ले तुम्हारे साथ खेलने आया, तो एडवर्ब बता रहे कि क्या करना है, केम टू प्ले विद यू तुम्हारे साथ, तो एडवर्बियल इन्फिनेटिव हो गया, जहां पर हम एक्ट एज एडवर्ब करते हैं। दे हैव सम क्लोथ्स टू वॉश, ये क्या था, ये कुछ कपड़े धोने के लिए, कुछ कपड़े हैं जो तुम्हारे धोने के लिए है, सम कुछ एडजेक्टिव क्वालिटी बताइए उसकी, किसकी जो हमारा ऑब्जेक्ट की क्वालिटी बताइए, कितने थोड़े कपड़े, एडजेक्टिव इन्फिनेटिव। ही कैन हेल्प यू फिनिश द वर्क, सीधा हेल्प यू फिनिश हो गया ना, काम सीधा खत्म हो रहा है ना, ये बेयर इन्फिनेटिव हो गया, जहां सीधा काम खत्म होता है बेयर इन्फिनेटिव होता है, ठीक है। अगला, वी प्रिटेंडेड टू हैव फिनिश द होमवर्क, हमने प्रिटेंड किया कि हम टू हैव फिनिश द होमवर्क, तो हैव के साथ ईडी लग गया ना, जब हैव के साथ ईडी लगता है तो प्रेजेंट इन्फिनिटिव होता है, मैंने बताया था ना इसमें भी आपको, प्रेजेंट इन्फिनिटिव हैव के साथ अगर लगेगा, ये रहा बेटा मैंने लिख रखा यहाँ पर, ये रहा हैव टू, हैव के साथ वर्ब के थ्रू प्रेजेंट इन्फिनिटिव, ठीक है। इट इज इजी टू मीट जतिन, अब बहुत आसान है मिलना जतिन से, कैसा इजी है ना, तो एडजेक्टिव के बारे में बताया गया है, एडजेक्टिव इन्फिनिटिव। माय हार्ट इज ब्रोकन, अब ये ना दो टाइप के हो सकते हैं, अगर मैं ये बोलूं कि मेरा दिल तो तोड़ा जाता है, या मेरा दिल टूट जाता है, अगर मेरा दिल तोड़ा जाता है तो फॉर्मूला हो जाएगा पास्ट पार्टिसिपल्स वर्ब, यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है खाली, अगर मेरा दिल तोड़ा जाता है मैं, तो माय पास्ट पार्टिसिपल्स वर्ब होगा, अगर वो ये बोलूंगा मेरा दिल टूट जाता है, मतलब अपने आप ही टूट जाता है, तो पास्ट पार्टिसिपल्स होगा पर एडजेक्टिव के साथ, जो अपने आप टूटता है ऑटोमेटिकली हो गया ना वो, ठीक है ना। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस थे, अगर आपके बेसिक्स बहुत स्ट्रांग होंगे जो मैंने वीडियो में पहले बताया तो आसानी से पहचान पाओगे, ठीक है। अगर मैं कुछ और इजी तरीके से समझने के लिए, मैं ये भी बता सकता हूँ, कुछ और एक्सरसाइज है वो देखिए, राहुल पढ़ना और लिखना जानता है, अगर मैं राहुल नोज इन्फिनिटिव में बनाऊं और जरेंड में बनाऊं, राहुल नोज टू रीड एंड टू राइट, अगर टू रीड एंड टू राइट लगा दूंगा तो इन्फिनिटिव हो गया, राहुल नोज रीडिंग एंड राइटिंग हो गया तो जरेंड हो गया, समझ आ गया। मैं खाना पकाना सीख रहा हूं, आई एम लर्निंग, जो सीख रहा हूं, जरा हूं, रही हूं, ये कॉन्टिन्यूस सेंस में हो गया, आई एम लर्निंग टू कुक फूड, तो हमारा इन्फिनिटिव हो गया, कुकिंग फूड क्या हो गया, आई एम लर्निंग कुकिंग फूड, तो क्या हो गया हमारा, ये हमारा जरेंड हो गया, ठीक है ना। वह खेलना नहीं जानता है, He does not know to play. Infinitive, playing, gerund. मुझे अंग्रेजी बोलनी आती है, I know to speak English. To speak English क्या हो गया, Infinitive, speaking English, gerund. हम खाना और गाना सीख चुके हैं, We have learned to eat and to sing. तो ये infinitive हो गया, We have learned eating and singing. तो क्या हो गया, ये हमारा gerund हो गया। रानी हंसना भूल गई, क्वीन हैज फॉट, रानी हंसना भूल गई, क्वीन हैज फॉट टू लाफ, क्वीन हैज फॉट लाफिंग, ये फॉट नहीं होगा, फॉरगेट होगा, ये मैंने गलती से लिख दिया, फॉरगेट, क्वीन हैज फॉरगेट टू लाफ, क्वीन हैज फॉरगेट लाफिंग, एक ही बात होगी। झूठ बोलना बुरी आदत है, टू टेल अ लाई इज अ बैड हैबिट, या
टू टेलिंग अ लाई इज अ बैड हैबिट। अब ये वो सेंटेंस है जहां पर पहले हमारे क्या आते हैं, जेरेंट और इन्फिनेटिव, बाद में हमारा एक नॉर्मल इंडिपेंडेंट सेंटेंस आता है। अंग्रेजी बोलना सीख रहा हूं, टू स्पीक इंग्लिश इज एन आर्ट, स्पीकिंग इंग्लिश इज एन आर्ट, ऐसे सेंटेंस भी आ सकते हैं। आगे आप देख सकते हैं, खेलना आसान है, टू प्ले इज इजी, प्लेइंग इज इजी, खेलना आसान है। अब क्रिकेट खेलना आसान है, टू प्ले क्रिकेट इज इजी और प्लेइंग क्रिकेट इज इजी, इज एन इजी हो सकता है। AIU, तुम्हें समझना आसान है, टू अंडरस्टैंड यू इज इजी, अंडरस्टैंडिंग यू इज इजी, इज एन इजी कर दीजिए। तो मतलब यही बस सेंटेंस है जो हमें बताते हैं, ये मैंने आपको बता दिया सारे जेरेंड वरेंड के बारे में। तो बच्चों आपको होप सो समझ आया होगा। अब इसका मैं पार्ट थर्ड निकालूंगा जहां पर मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में पूरी डिटेल में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए और ढंग से समझिए कि जेरेंड, पार्टिसिपल्स और भी होते क्या हैं। तब तक मैंने आपको क्या बता दिया था, टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए एक काम करिए, इस सारे एक्सरसाइज को देखिए और जितने क्वेश्चन और ट्राई कर सकते हैं करिए, और जितने डाउट होगा मेरे से आप पूछिए, जिससे क्या होगा मुझे भी अच्छा लगेगा। और तब तक के लिए आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, जितना हो सके फैलाएं, जिससे बाकी लोगों को हेल्प मिले। थैंक यू।